और जय भीम लाल सलाम इसलिए क्योंकि उस दिन जिस प्रोग्राम में उमर गया था और उसके ऊपर गोली चली, उस प्रोग्राम का नाम था खौफ से आज़ादी। और जो लोग आज ये देश के पार्लियामेंट के अंदर घुसे हुए हैं, देश के आज़ादी के साथ गद्दारी करने वाले वो लोग, जिन लोगों ने लाल किले से तिरंगा फहराया, इनको बड़ा डर लगता है जब खौफ से आज़ादी बोला जाता है, क्योंकि इनको पता है कि इनका सत्ता और इनका धंधा खौफ पे चलता है। इनका बिजनेस, गोदी मीडिया का टीआरपी, खौफ बेचते हैं ये लोग, और इससे ये लोग पैसा कमाते हैं, इससे ये लोग सत्ता में टिके रहते हैं। और आज जब हम वो सारे लोग जो लोग कभी उमर के साथ एक यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, जो उमर के दोस्त थे, जो उमर के दोस्त नहीं भी हैं, जो कभी भी शायद उससे नहीं मिले हैं, जो लोग उसके राजनीति से सहमति रखते हैं और जो लोग उसके राजनीति से सहमति नहीं रखते हैं, हम सारे लोग आज यहाँ पे ये बोलने आए हैं कि उमर के ऊपर जो गोली चला है उससे ना उमर चुप होने वाला है और ना ही हम चुप होने वाले हैं। जिस समय हमने अचानक से देखा फेसबुक में कि उमर के ऊपर गोली चला है और उसके कुछ मिनट बाद ही हमने देखा कि उमर का पूरा शरीर पानी से भीगा हुआ है, शायद वो मिट्टी में गिर गया था, और उसके बाद जब मीडिया से उमर बात कर रहा था, पानी था शरीर में लेकिन उमर मीडिया से बात कर रहा था, और आरएसएस के नफरत गर्दी के खिलाफ, गोदी मीडिया के साजिश के खिलाफ बात कर रहा था, और आरएसएस वाले तुम्हारा हार न तय है कि हम लोग डरेंगे नहीं, ये तुम्हारा वो डरपोक जिसको तुम बंदूक लेके भेजे थे वो भाग गया, सीसीटीवी में दिखा उसका भागता हुआ, उसको भागने का ज़रूरत नहीं था, क्योंकि हम लोग उन लोगों में से नहीं हैं। उमर के दोस्त जो लोग उस दिन प्रोग्राम में आए थे, हम लोग उन लोगों में से नहीं थे जिनके पास, अगर वो पकड़े भी जाते उस समय तुम्हारे ऊपर कोई हाथ नहीं उठाता, हम उन लोगों में से नहीं थे, लेकिन तुम भागे, और उमर जिसके ऊपर गोली चला वो देश को, वो जनता को बताया कि इस नफरत गर्दी के खिलाफ हमारा लड़ाई है। मैं जो डिस्क्रिप्शन है मैं वहाँ पे थी नहीं, साथियों ने बताया, डिस्क्रिप्शन पे साथी लोग और बताएंगे, लेकिन मैं एक चीज़ चाहूँगी, क्योंकि वो व्यक्ति जिसने गोली चलाया शायद उसी ने वीडियो रिकॉर्डिंग करके, क्योंकि विटनेस जो है उनका कहना है कि वही है, वो वीडियो रिकॉर्डिंग करके वो वायरल करवा रहा है, और वो मानता है कि एक लोकतांत्रिक देश में ये बहुत बड़ा करामात है। माने हमारे एंकर्स बोलते हैं ना कि सरहद पे जवान खड़े हैं, सरहद पे अर्णब गोस्वामी कभी नहीं जाएगा गोली खाने, लेकिन अंदर नफरत फैलाना और उसके बाद अंदर आतंकवाद फैलाना, इसको गुंडागर्दी फैलाना, ये आज के डेट में अचीवमेंट है भगवा गुंडों के। वो व्यक्ति जो भी है, मुझे पता नहीं, आप जिंदगी में शायद बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, हो सकता है आपको जेल के अंदर मंत्री जी जाके माला पहनाए, हो सकता है आपको बहुत कुछ मिल सकता है, मुझे नहीं पता आपको क्या मिलेगा, लेकिन मैं एक चीज चाहूंगी कि आप एक बार कॉमरेड उमर से बात जरूर कीजिएगा, जिनके ऊपर आपने गोली चलाने का कोशिश की, आप एक बार बात कीजिएगा, हो सकता है आपका नफरत भी सच्चा हो, मुझे नहीं पता, सिर्फ पैसे के लिए आपने मारा, किस लिए मारा, अभी तक बातचीत किया जा सकता है कि नहीं आपसे मुझे नहीं पता, लेकिन भरोसा है मुझे, एक बार कॉमरेड उमर से बात कीजिएगा, जिस व्यक्ति को आपने जान से मारने का कोशिश किया, क्या नफरत है उस व्यक्ति से आपको, क्यों नफरत है, वो ऐसा क्या सोचता है, ऐसा क्या बोलता है, ऐसा क्या है इनकलाब जिंदाबाद के नारे में कि इनकलाब जिंदाबाद बोलने वालों पे गोली चला जाए, एक बार बात जरूर कीजिए, क्योंकि हम लोग उन लोगों में से नहीं है जो किसी को पीट पीट के मार देता है और वो जब पानी मांगता है मरते वक्त तो पानी भी नहीं देता, हम उन लोगों में से नहीं। सही बताएं तो इस देश में रहते हैं, इस देश के लोगों से बहुत मोहब्बत भी करते हैं, इस देश से भी मोहब्बत करते हैं, इसीलिए एक इंसान को पीट पीट के मार दिया जाए और पानी ना दिया जाए, इसको देश प्रेम माना जाए, ये हमारे समझ में नहीं आता, एक बार आप भी समझा दीजिए ये कैसा देश प्रेम है जिसमें ये नफरत कर दी और ये जरूरत है।
आपको सजा मिलेगा कि नहीं मुझे नहीं पता, हम लड़ेंगे कि नए प्रक्रिया से आप गुजरे, आपको सजा मिले। आपके खिलाफ हमारा नफरत नहीं है, लेकिन एक बात सुन लीजिए, ये नफरत गर्दी से दुकान किसी और का चल रहा है। इस नफरत गर्दी फैला के प्रधानमंत्री के हवाई जहाज में फ्रांस और कोई जाता है, किसी और के बैंक अकाउंट में पैसा जमा होता है, किसी का बैंक खाली होता है तो अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बैंक में पैसा जमा होता है। इस देश के किसान मरते हैं, इस देश के मजदूर मरते हैं, आफिया मर जाती है, और आपको नफरत उनसे नहीं होता, आपको नफरत होता है ऐसे एक स्टूडेंट से जिसने पीएचडी जमा किया, जिसके ऊपर, जिसके खिलाफ एक पूरा सत्ता लग गया था कि उसका हत्या कर दिया जाए, उसके खिलाफ नफरत फैलाया जाए। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि एक बार हम लोगों से, एक बार उमर से बात कीजिएगा कि क्या सपना है वो आज़ादी का, बराबरी का, न्याय का, वो कैसा सपना है जो हम लोग देखते हैं, जो उमर देखता है, और जिससे खिलाफ नफरत फैलाने का काम अर्णब गोस्वामी, सुधीर चौधरी, ये लोग पैसे के लिए करते हैं, टीआरपी के लिए नफरत गर्दी करते हैं। और आरएसएस के लिए एक अंतिम बात मैं कहना चाहूंगी कि आरएसएस वाले, ये जो जंग तुमने छेड़ा है भारत के खिलाफ, ये जंग तुम जीत नहीं पाओगे। बहुत क्लिशे लग सकता है, लेकिन ये देश आजादी अभी अभी गुजरा है, ये देश भगत सिंह और अशफाक उल्ला खान की देश है, दोनों का देश है। इस देश ने, इस देश को आता है आजादी का सपना देख के, बराबरी का सपना देख के जाने गवा देना, शहादत दे देना इस देश को आता है। अशफाक उल्ला खान के देश को तुम हरा नहीं पाओगे आरएसएस, इतिहास तुमसे हिसाब लेगा। और उस दिन भी जानना है कि तुमसे नफरत नहीं करते, हम तब भी चाहेंगे कि बात करो, और जिस बराबरी का सपना हम देखते हैं, जो देश बनाने का हम सपना हम देखते हैं, उस सपने से एक बार बात जरूर। उमर खालिद जिंदाबाद, जिंदाबाद।